हेलो, क्या नांदेड़ के तहसीलदार किडनैप हो गए सर? क्या सर, नासिक के तहसीलदार का किडनैप हो गया है? नासिक? अरे भाई, नासिक नहीं, नांदेड़। खुद भी कंफ्यूज होते हो, हमें भी कंफ्यूज करते हो। सर, विजय का फोन है नासिक से, नासिक के तहसीलदार का किडनैप हुआ है। सर, लातूर से न्यूज आई है, वहां पर भी किडनैपिंग हुई है। सर, सांगली से भी। हा? सुनो, ये तो फ्रंट पेज धमाका है। स्टॉप द प्रेस, स्टॉप द प्रेस राइट नाउ। महाराष्ट्र पर आया महासंकट, रातों रात 10 तहसीलदार गायब। तहसीलदारों के किडनैपिंग के बाद राज्य में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी। सबके मुंह पर एक ही सवाल, आखिर कौन है इन सब के पीछे? हो गए और होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस वारदात को 3 दिन हो गए हैं सर, आप बताएंगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मामले की जांच चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन है। सर, मिनिस्टर साहब, इस केस में पुलिस के रोल पे भी सवाल उठाया जा रहा है, इस बारे में आपको क्या कहना है? हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है जिसको कमिश्नर पंत हेड कर रहे हैं। सर, आप चिंता मत कीजिए, तहसीलदारों को ढूंढ लेंगे, मैं हूं ना सर। अच्छा सर, अभी न्यूज आई सर, जो तहसीलदार जहाँ से किडनैप हुए थे वो वहाँ वापस आ गए हैं। गुड न्यूज, चलो चलो, अनाउंस करो जल्दी। सर, प्रॉब्लम है सर, सिर्फ 9 लोग ही वापस आए सर। व्हाट? तो 10वां कहाँ है? रिश्वत नारियल जैसा हो गया है, हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है। सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आम आदमी की जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी बना दी है। सुबह कमोड पे पलटने से शुरू होती है और रात तक रद्दी बनके किसी कोने में पड़ी मिलती है। पर अब ऐसा नहीं होगा, हर फ्राइडे जब एक फिल्म रिलीज होती है उसी के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा, या तो करप्शन से या दुनिया से। और हाँ, ना मैं सरकारी हूं, ना मैं गैर कानूनी, ना मैं कोई नेता हूं और ना ही कोई टेररिस्ट। काम से हीरो, नाम से विलन, मैं गब्बर हूं, गब्बर। सबके कर्म सामने आएंगे, वो क्या है ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता। ये सीढ़ी किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। अभी अभी गब्बर नाम के एक शख्स ने हमारे चैनल को एक सीढ़ी भेजी है, आइए सुनते हैं उस सीढ़ी में क्या है। यह है गब्बर की सीढ़ी जो देश के हर कोने में मिल रही है। यहाँ देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई है इस सीढ़ी को खरीदने के लिए। और यही नहीं, सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये वायरल हो चुकी है और जोरों शोरों से शेयर की जा रही है। क्या एक ऐसे आधे अधूरे आदमी को मारने से ये करप्शन खत्म हो जाएगा? नहीं यार, मुझे तो लगता है सही है। देखो ना आजकल कैसे करप्शन की रेस चल रही है, और वैसे भी जीतने वाले को अगर मेडल की जगह मौत मिलेगी तो सब साले उल्टा दौड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, उन तहसीलदारों ने कब रिश्वत ली, कितने बजे ली, किससे ली, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया, किधर इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी के 7-12 तक अटैच है। सर, CBI लेवल की इंक्वायरी की है इस गब्बर ने। हाँ सर, इतने सारे सबूत इकट्ठा करना किसी भारी आदमी के बस की बात है ही नहीं सर। जरूर कोई ऑफिस के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन उस किडनैपर तक पहुंचा रहा था। कौन हो सकता है वो? सर, कोई ऐसा। मुझे समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। 10 किडनैपिंग, 10 ऑफिसर्स, यानी 10 लोगों की टीम। ये 10 लोगों का काम नहीं है यार। साधु, तेरी पगार कितनी है और तू बात कितनी करता है? एक बात बता, महाराष्ट्र में कुल कितने तहसीलदार हैं? कितने? 354। और उठाए कितने? कितने? 10। हाँ 10। तो फिर प्लान करने के लिए एक आदमी बहुत होता है।
लेकिन किडनैप करने के लिए कितने लोग चाहिए? अब साला एक आदमी तो अकेला गाड़ी का टायर चेंज कर नहीं सकता, किसी को उठाने के लिए कम से कम दो तीन लोग तो चाहिए। दस लोगों के लिए कितने हो गए? 20-30। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम, ये नक्सलवादियों की तरह जंगलों से नहीं शहर के बीचों बीच बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और तू यहाँ बैठे बैठे अपना काम नहीं कर रहा है। मेरा काम हो गया तेरा? चल जल्दी जाकर 4-5 प्लेट समोसे लेकर आया। मोटा पड़ जाएगा साला। और वो लाल वाली चटनी ज्यादा लेकर आना, पिछली बार कम लाया था साला, मेरे को सुनना पड़ा था। समोसे पे चटनी लगाते रह जाएंगे और वहाँ गब्बर अपना काम करता रहे। जल्दी चल यार, आदि सर का क्लास शुरू होने वाला है, चल चल। चलो सब लोग आ गए, अटेंडेंस ले लेते हैं। रहने दीजिए ना सर, एक दो ज्यादा ही निकलेंगे, आपकी क्लास कौन बंक करेगा? पक्की बात है? पक्का। चलिए छोड़िए, फाइव एलिमेंट से दुनिया बनी है और फाइव एलिमेंट से बॉडी, और उसी तरह फोर्स भी पांच तरीके से बना। कोई बता सकता आप में से वो पांच तरीके कौन से हैं? नहीं, ध्यान से सुनिए, वो है टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। अगर हिंदी में उसे ट्रांसलेट करें तो उसे कहेंगे खिंचाव, दबाव, तोड़ मोड़ और घुमाव। नहीं पल्ले पड़ा? चलिए आइए आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं। पहलवान आप ऊपर आओ, ध्यान से सुनो, दोनों पैर बिना हिलाए हाथ ऊपर करो, मुझे पुश करने की कोशिश करो। टीचर आज पढ़ाई लिखाई बंद है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दो बैल आपस में टकरा रहे। इसी दबाव को कहते हैं कंप्रेशन लोड। क्या कहते हैं वापस जोर से? परफेक्ट। तो पहले आपने टेंशन लोड सीखा और आप कंप्रेशन। डायलॉग बाजी बंद कर, चल ये चल पीछे चल, चल कॉलेज बंद नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? किसी गब्बर ने तहसीलदार को मार दिया है, ये स्टेट का कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, तब तक सब एग्जाम का शेड्यूल लग चुका है, ये कॉलेज बंद नहीं होगा। अच्छा कॉलेज बंद नहीं हो सकता, तोड़ दो रे साहब, चलो अब बंद हो जाएगा, ये दादागिरी नहीं चलेगी। दिखाओ दादागिरी। यह है तीसरा फोर्स, ध्यान से सुनो तुम लोग, किसी भी चीज को दोनों तरफ से दबाओ और उसके टेंशन वाले पॉइंट पे प्रेशर डालो तो उसकी सीटी बच जाती है। तोड़ू? ठीक है, तोड़ने वाला फोर्स देखो। कौन है तू? तू तो क्या? यह है बेंडिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्विस्टिंग फोर्स के बारे में बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी क्लास पूरी कर रहा था सर। स्टॉप इट, लीव हिम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हर चीज में फिजिक्स काम में आती है, टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड द लास्ट वन, सॉरी आई कुडंट शो यू, ट्विस्टिंग। और तुम लोग भी सुन लो, इस कैंपस के अंदर पुलिस भी अलाउड नहीं है, तुम लोग तो सब गुंडे हो, आना भी मत, सोचना भी मत, समझे? क्या बोल रहे तो? कॉलेज गेट के अंदर पुलिस अलाउड नहीं है तो फिर गुंडे कहां से आ गए? कॉलेज से गेट असल तर प्रॉब्लम है ना, गेट अस नसल तर तोड़ो ना करे गेट। जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की ना तुम लोगों ने, इसलिए कॉलेज का गेट तोड़ना चाहते हो। आओ बच्चों, एक एक करके तुम लोगों का अटेंडेंस लेता हूं। आओ क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? तेरी मालूम है मुझे? नहीं सर, सर सर उसने बोला था सर। Yeah!
नेशनल कॉलेज तो क्या, मैं किसी भी कॉलेज के पास नहीं जाऊंगा। शाबाश, बहुत सीख लिया। क्लास डिसमिस्ड।